हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्पोर्ट्सशाला में। दोस्तों, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट के नियमों में कुछ बदलाव कर दिए हैं, कुछ चेंजेस कर दिए हैं। और दोस्तों, ये जो चेंजेस हैं, ये जो बदलाव हैं, ये किसी भी मैच की दशा और दिशा दोनों को बदलने में पूरी तरह से सक्षम है, यानी कि मैच का जो परिणाम है उनको बदलने में सक्षम है। तो दोस्तों, क्या है वो नए नियम, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मोटे तौर पर देखें तो आईसीसी ने 5 बड़े चेंजेस किए हैं अपने पुराने रूल्स में, और साथ ही साथ में कुछ छोटे परिवर्तन भी किए हैं। दोस्तों, अगर बात करें चेंजेस की, तो सबसे पहला चेंज है वो है रनआउट के नियमों में। दोस्तों, अब जो है रनआउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसका कारण ये है कि पहले बैट्समैन को रनआउट होने से बचने के लिए क्रीज लाइन के अंदर होना जरूरी था। बैट्समैन का बैट या फिर पैर या फिर कोई भी हिस्सा जो है क्रीज के अंदर होना चाहिए था, और साथ ही साथ में जो है बैट्समैन का कोई भी हिस्सा ग्राउंड को टच भी करना चाहिए था, तभी जो है रन पूरा माना जाता था। लेकिन दोस्तों, अब जो है नए नियमों के हिसाब से ये चीजें बदल चुकी हैं। अगर बैट्समैन का कोई भी हिस्सा क्रीज के अंदर है, भले ही वो ग्राउंड से टच कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, अगर वो हवा में है, अगर बैट्समैन का बैट हवा में है या कुछ भी हवा में है, लेकिन अगर उसने क्रीज लाइन को पार कर दिया है, तो वो बैट्समैन होगा नॉट आउट, और साथ ही साथ में दोस्तों जो रन है वो भी हो जाएगा काउंट। और दोस्तों, ये जो चीज है यही अप्लाई होगी स्टंप के साथ में भी, यानी कि अगर बैट्समैन का जो पैर है या फिर बैट है स्टंप के टाइम वो लाइन से अंदर है, भले ही वो ग्राउंड को टच नहीं कर रहा है, तो भी बैट्समैन नॉट आउट होगा। दोस्तों, रूल्स में जो दूसरा चेंज है वो है बैट के साइज से रिलेटेड, यानी कि बैट के डायमेंशन से रिलेटेड। और दोस्तों, आपने पहले देखा होगा कि जो बैट्समैन हैं वो अपने हिसाब से अपने बैट की लंबाई चौड़ाई आदि सब कुछ रखते थे, लेकिन दोस्तों आईसीसी ने अभी जो है सारा फिक्स कर दिया है। आप अपने बैट की जो चौड़ाई है वो 108 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं रख सकते। साथ ही साथ में जो एज है उसकी मोटाई भी कुछ बैट्समैन काफी ज्यादा कर लेते थे, उसकी वजह से स्ट्रोक खेलते टाइम जो है उनका एज भी जो है अच्छे से काम करता था स्ट्रोक को मारने के। लेकिन दोस्तों, आईसीसी ने वो भी जो है अभी 40 mm पे फिक्स कर दिया है, यानी कि 40 mm से ज्यादा एज की जो है चौड़ाई नहीं हो सकती। और साथ ही साथ जो बैट की कुल मोटाई है वो भी जो है 67 mm से ज्यादा नहीं रखी जा सकती। दोस्तों, आईसीसी का जो तीसरा चेंज है उसके अकॉर्डिंग अब क्रिकेट में भी जो है एम्पायर के पास में पावर होगी। किसी भी खिलाड़ी को मैदान से बाहर भेजने की मैच के दौरान अगर वो खिलाड़ी किसी एम्पायर से या फिर किसी प्लेयर से या फिर किसी भी व्यक्ति से मिसबिहेव करता है या फिर इस तरह की कोई भी हरकत करता है जो कि ऑफेंसिव हो, तो जो एम्पायर है वो रेड कार्ड दिखा सकते हैं मैच के दौरान ही और प्लेयर को भेज सकते हैं बाहर। लेकिन दोस्तों, ये जो है रूल अप्लाई होगा सिर्फ लेवल 4 या फिर उससे ऊपर के ऑफेंसेस के ऊपर, यानी कि उसमें जो है काफ़ी चीज़ें आती हैं जिसमें कि एम्पायर के साथ में झगड़ा करना, प्लेयर्स के साथ में झगड़ा करना, एम्पायर को टच करना किसी भी गलत तरीके से, उसको धक्का देना हम कह सकते हैं, और या फिर किसी भी प्लेयर के साथ में ऐसी कोई भी हरकत करना जो है इस लेवल 4 के अंदर आएगा। और दोस्तों, जो खिलाड़ी है उसको बाहर भेज सकते हैं कुछ ओवर्स के लिए या फिर पूरे मैच के लिए। दोस्तों, चौथा जो चेंज है वो किया गया है DRS यानी कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम में। और दोस्तों, आपको मालूम हुआ कि अगर किसी टीम के खिलाड़ी एम्पायर के किसी फैसले से सहमत नहीं है तो वो रिव्यू के लिए दे सकते हैं थर्ड एम्पायर को फैसला, और जो थर्ड एम्पायर है उसको अलग अलग टेक्निक से देखते हैं और अपना फाइनल डिसीजन देते हैं। DRS में दोस्तों मेनली 3 चेंजेस किए गए हैं, जिनमें कि जो पहला है वो है एम्पायर स्कोर से रिलेटेड। अगर दोस्तों हम एक केस लें जिसमें कि गेंदबाज जो है उन्होंने गेंद करी, जो बॉल है वो बल्लेबाज के पैड के ऊपर या शरीर के किसी भी हिस्से के ऊपर लगी, और दोस्तों गेंदबाज ने की अपील, एम्पायर का डिसीजन रहा नॉट आउट, लेकिन दोस्तों विपक्षी टीम को लगा कि जो बल्लेबाज है वो शायद आउट है और इसीलिए उन्होंने अपना रिव्यू ले लिया। लेकिन दोस्तों, जब थर्ड एम्पायर ने देखा तो उन्होंने पाया कि जो बॉल है उसको जब प्रोजेक्ट किया गया स्टंप्स के ऊपर, तो वो जो बॉल है वो स्टंप्स को टच कर रही थी, लेकिन बॉल का जो 50% एरिया है वो स्टंप की लाइन से बाहर था। तो उस केस में दोस्तों उसको माना जाता है एम्पायर स्कोल, और जो एम्पायर होते हैं ग्राउंड एम्पायर उन्हीं का जो डिसीजन होता है उसी को सेफ रखा जाता है, बल्लेबाज को नॉट आउट दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ क्या होता है कि जो विपक्षी टीम है उसका एक रिव्यू वेस्ट हो जाता है इस केस में। लेकिन अब नए नियम के हिसाब से दोस्तों ऐसा नहीं होगा, अगर एम्पायर स्कोल के हिसाब से बल्लेबाज को नॉट आउट दिया जाता है तो विपक्षी टीम का एक रिव्यू सेफ रहेगा, रिव्यू वेस्ट नहीं होगा। DRS में दूसरा चेंज है टेस्ट मैचेस से रिलेटेड। दोस्तों, आपको पता हुआ कि टेस्ट मैच में किसी भी टीम को 80 ओवर के बाद में जो है 2 रिव्यू अलग से मिल जाते हैं, वो 2 बार जो है अलग से रिव्यू ले सकते हैं 80 ओवर्स होने के बाद में। लेकिन दोस्तों, अब से ICC ने फिक्स कर दिया है कि सिर्फ आपको 2 रिव्यू मिलेंगे एक इनिंग में, भले कितने भी ओवर्स हो जाएं आपको एक्स्ट्रा रिव्यू नहीं दिए जाएंगे। और दोस्तों, जो तीसरा जो चेंज है वो आप चेंज उसको कह सकते हैं, वो ये है कि T20 मैचेस में भी जो है अब से DRS का यूज़ किया जाएगा। अभी तक DRS का यूज़ नहीं किया जाता था, लेकिन अभी से जो सारे मैचेस होंगे, भले ही वो इंटरनेशनल मैचेस
मैचेस हों, आईपीएल मैचेस हों, सभी में यूज किया जाएगा। दोस्तों जो पांचवा चेंज आईसीसी ने अपने रूल्स में किया है वो है हेलमेट से रिलेटेड विकेट कीपर और फील्डर्स के। दोस्तों अभी तक ऐसा होता था कि जो बॉल है वो जब बैट्समैन को पास करती थी, भले उसने बैट्समैन को टच किया बैट को नहीं किया, अगर वो जो बॉल है वो विकेट कीपर के हेलमेट से टकराती थी या किसी भी फील्डर के हेलमेट से टकराती थी तो उस केस में बैट्समैन को कैच आउट नहीं किया जा सकता था और साथ में स्टंप भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन दोस्तों नए रूल्स के हिसाब से उस केस में बल्लेबाज को कैच आउट किया जा सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आईसीसी ने रूल्स में जो बदलाव किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल स्पोर्ट्सशाला को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपको अगर लगता है कुछ और भी चेंजेस किए जा सकते हैं तो आप जरूर से हमें कमेंट्स में बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।